वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो आपका स्वागत है किम्स ब्लॉग में। राधे कृष्णा, राम राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग स्वस्थ हो गए और मस्त हो गए। आप सोच रहे होंगे यार, पीछे का सेटअप देख के, पीछे का बैकग्राउंड देख के लग रहा है कि किचन में, तो कुछ किचन से रिलेटेड ब्लॉग होने वाला है। यू आर राइट, ये ब्लॉग जो है ये किचन की हैक से रिलेटेड होने वाला है। एक बहुत छोटा सा हैक है और बहुत ही यूजफुल है। जैसे कि अभी सर्दियाँ ऑलमोस्ट जाने की तकरार पे हैं, मतलब सर्दियों ने पूरा अपना पैकअप कर लिया है और समर्स आक्रमण करने के लिए फुल ऑन रेडी हो चुकी है। तो अब जो मटर थी, मटर सबको पसंद होती है ऑब्वियसली बात है, तो जो मटर थी उसका भी सीजन जाने वाला है, वो सर्दियों में ज़्यादा आती है। अब समर्स की आएगी, थोड़ा सा टाइम में आएगी। तो अभी सर्दियों वाली मटर को आप कैसे संजो के रख सकते हैं कुछ टाइम के लिए, ताकि आप उसको धीरे 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 यूज़ कर सकें, क्योंकि मार्केट में थोड़े टाइम में अभी मटर आनी बंद हो जाएगी। फिर आपके पास एक ही ऑप्शन बचेगा, सफल मटर खरीदने का। तो वो थोड़ी सी कॉस्टली पड़ती है और वो इतनी मुझे फ्रेश फील नहीं देती है, ऐसा मेरा मानना है। बाकी सबकी अपनी अपनी समझ और सोच होती है। तो मुझे क्या लगता है कि जो अभी फ्रेश मटर आ रही है, उस मटर के उसके फली में से दानों को निकाल के हम कुछ टाइम, उसको लंबे टाइम के लिए स्टोर कैसे रख सकते हैं, वो आज मैं आपको बताने वाली हूँ। तो चलो, ये लगभग मेरे हिसाब से 1.5 किलो के आसपास मैंने मटर ली थी, उसके सारे दाने निकाल के मैंने इसको रेडी कर लिया है। और एक भगोना में मैंने पानी चढ़ाया है, पानी को हम लगभग बॉईल होने देंगे और फिर उसमें ये मटर को हम ऐड करेंगे। पहले जरा पानी जी बॉईल हो जाए, फिर हम आगे का आपको प्रोसेस दिखाते हैं। पानी हमारा बॉईल होने लगा है और अब धीरे धीरे आप इसके अंदर मटर के दानों को डालिए। एक हाथ में कैमरा पकड़ना और एक हाथ में से काम करना थोड़ा सा मुश्किल है, तो ये मैंने आपको दिखा दिया। मैं जरा पूरे मटर के दाने डाल दूँ इसके अंदर। सारे दाने इसके अंदर आ गए हैं और अब इसको थोड़ा सा ना एक बार चला दें, पता चला ये चिपक गए नीचे। हालांकि चिपकने तो नहीं, बट फिर भी सेफर साइड के लिए इसको एक बार चला दें। और एक उबाल लगाना है इसके अंदर, बस एक बार इसको बॉईल करना है 2 से 4 मिनट के लिए, और इतने में ही ये रेडी हो जाएगा। फिर इसको ड्रेन करके और आगे का प्रोसेस आगे दिखाएंगे करके। लगभग 2 मिनट हुए हैं और देखो काफ़ी सारे दाने ना फूल कर ऊपर आ गए हैं, और मैंने फ्लेम को बिल्कुल लो रखा है। दिस इज़ फुल एंड दिस इज़ लो, तो मैंने फ्लेम लो ही रखा है और दाने देखो काफ़ी सारे फूल कर ऊपर आ गए हैं। अब बस 2 मिनट और इसको टाइम देना है हमें। दिस इज़ द क्लोज अप लुक, ठीक है। 2 मिनट बाद ये गैस ऑफ कर दी जाएगी। तो इट इज़ रेडी, अब इसको हम ड्रेन कर लेते हैं। देखो भाई, ये हमने ड्रेन कर लिया है, अभी बहुत मस्त गर्म है ये और पानी भी धीरे धीरे गिर रहा है, अभी कोई बूंद। तो इसको थोड़ा ठंडा होने देंगे इधर ही, उसके बाद इसको हम एक कपड़े पे फैलाएंगे। को लेना है एक कॉटन का क्लोथ और उसके ऊपर ये सारे दानों को अच्छे से फैला देना है। इसको फैलाने के बाद में इसको हल्के हाथ से आप ऐसे कर दें, ताकि जो बचा हुआ पानी है ना इसमें, वो ये कपड़ा सोख ले। और फिर ऐसे ऐसे करके ना पोछा सा भी कर देना, ताकि जल्दी से सोख ले और अच्छे से ये ड्राई अप हो जाए। देन यू कैन स्टोर इन एन एयर टाइट कंटेनर इन योर फ्रिज और इन योर फ्रीजर। तो आपकी होममेड सफल मटर ये हो जाती है रेडी। कि जो ये ट्रिक थी, आपको ये कैसी लगी मुझे प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक माय वीडियो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और यार, अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।